बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स जमशेद आसमी इनफार्मेटि चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जहाजिब जमशेद आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से बाकी तमाम हमारे जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं जितने भी इस वक्त देख रहे हैं दिल की गहराइयों से उनको तमाम को रिस्पेक्ट और आदाब आज हम एक बार फिर से तशरीफ़ लाए हैं एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आज हम एक ऐसे सेटअप को कवर करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको ऑस्ट्रिच के चिक्स मिलेंगे और यहाँ पे जो भी चिक्स वगैरह होंगे वो आपको दिखाएंगे तमाम डिटेल्स शेयर करेंगे इन्फॉमेशन आपके साथ शेयर करेंगे तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर ऑनर से मुलाकात करते हैं और सलाम दुआ करते हैं तो वीवर्स हमारे साथ यहाँ पे सेटअप के ऑनर मौजूद हैं आयन से बात करते हैं अल्लाम वाले कैसे हैं ख़ैरत से आप अल्लाह का शुक्र सबसे पहले तो अपना तारुफ करा दीजिए वीवर्स के साथ Uh, मेरा नाम दानियाल है और हमारी लोकेशन माड़ीपुर रोड मच्छर कॉलोनी कराची है और मैं दो साल से इसका माशाल्लाह काम कर रहा हूँ ऑस्ट्रिच का अच्छा दो साल से आप ऑस्ट्रिच का काम कर रहे हैं जी बिल्कुल चलें ठीक है हमारे व्यूवर्स को ऑस्ट्रिच दिखा दें आइए जी जनाब तो ये ऑस्ट्रिच के एज हैं बिल्कुल सर ठीक है ये बताएँ कि इनकी एज कितनी कितनी है सर इनकी एज डेढ़ महीना है डेढ़ महीने इनकी एज है जी बिल्कुल ठीक है अच्छा है, ये बताएं कि इनके केयर वगैरह से मुतल कुछ इन्फॉमेशन दें कि जब ये छोटे होते हैं तो उनको डाइट में क्या दिया जाता है और इनकी डाइट क्या होती है और ऐसी क्या डाइट होती है जिससे इनके जो ग्रोथ होता है वो बूस्ट हो जाए जल्दी बड़ा हो जाए जी सर बिल्कुल डे वन से इन्हें हम जीरो नंबर फीड खिलाते हैं और उसके बाद लूसन जो है जिसे अपनी जुबान में घास लूसन कहते हैं उसे छोटा छोटा काट के इनको डे वन से दिया जाता है और बाकी सर इनको कम से कम तीन से चार महीने तक इन्हें हम फ़र्श वाली जगह पर रखते हैं और इनको मिट्टी खाने से थोड़ा बचाना पड़ता है बाकी इसका कोई मतलब इशू नहीं है अच्छा मिट्टी खाने से इनको बचाना पड़ता है पक्के फ़र्श में इनको रखना पड़ता है जी बिल्कुल या अगर आपके घर में या आपके फार्म पे घास वाली जगह है जहाँ पे घास मौजूद है कि ऐसा घास कि जहाँ से ये मिट्टी ना खा सकें तो वो जगह भी इनके लिए सूटेबल हो सकती है ठीक है अच्छा ये बताएगा इनकी प्राइस क्या सर इनकी प्राइस वैसे तो चालीस हज़ार रुपये का पेयर दे रहे हैं लेकिन जमशेद भाई की वजह से हम जो इनके चैनल के थ्रू आएंगे उनके लिए और हमारी माओ बहनों के लिए पैंतीस हज़ार रुपये का जोड़ा पड़ेगा मैम थर्टी फाइव थाउजेंड का पेयर जी बिल्कुल अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें मेल फीमेल की पहचान क्या है मेल फीमेल की ऐसे फीमेल का जो सर है और आँखें ये पतली होती हैं और मेल का सर मोटा और बड़ा होता है और मेल और फीमेल अगर एक ही हैच में से हैं तो कद फीमेल का छोटा और मेल का बड़ा होता है अच्छा साइज में फर्क होता है जी बिल्कुल साइज में फर्क होता है इसके अलावा हेड का आप बता रहे हैं पतला और थोड़ा सा मेल का मोटा जी होता बिल्कुल है। बिल्कुल तो ये एक पहचान है इनकी जी ठीक है अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताएं कि अभी तो ये इस करंट कंडीशन के कलर ऐसे हैं तो ये बताएं कि जब इनकी एज बड़ी होती है तो किस एज में आकर इनका कलर चेंज होते हैं जैसे एक फॉर्म में आ जाते हैं ब्राउन कलर के हो जाते हैं डार्क कलर में तो वो बताएं किस एज में इनका कलर चेंज होता है ये अप टू तो फोर मंथ मतलब चार महीने से जैसे ही क्रॉस करते हैं तो इनका रंग वही आने लग जाता है और छः से सात महीने के अंदर, अंदर अंदर ये बिल्कुल अपना कलर निकाल देते हैं छः से सात महीने के अंदर इनका कलर आना स्टार्ट हो जाता है जी बिल्कुल ठीक है और मुझे ये बताएं कि हाइट ये कितने अर्से के बाद अपनी निकालते हैं सर ठीक एक महीने के बाद ये एक फुट अपना बढ़ा देते हैं एक महीने के बाद एक फुट भी बढ़ा लेते हैं जी ठीक है अभी मुझे बताएं कि इनकी करंट हाइट कितनी है सर इनकी करंट हाइट डेढ़ फुट है डेढ़ फुट इनकी हाइटेस्ट है अच्छा तो ये बताएं मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाते हैं मैक्सिमम ये एट टू नाइन फीट पर जा सकते हैं ठीक है अच्छा क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ऑस्ट्रिच के छोटे चिक्स हैं तो मुझे ये भी बता दें कि अभी इनका वेट कितना है सर इनका वेट कम से कम अभी है साढ़े तीन किलो साढ़े तीन किलो जी एक चिक का वेट है जी बिल्कुल ठीक है और ये बताएं कि मैक्सिमम वेट कहाँ तक जाता है इनका सर मैक्सिमम वेट जो आप कह सकते हैं कि 200 किलो तक जाता है जब ये पूरे दो साल के होते हैं और इनका कद नाइन फीट होता है तो दो सौ किलो तक ये हो सकते हैं अच्छा अब मुझे थोड़ा सा फीट से मुतलिक बताएं कि फ़ीड आप शुरू से इनको जो देते हैं लूसन और ज़ीरो की फीड वो बड़े होने के बाद भी ये चले होती है चेंज होती है इनकी फीड नहीं बिल्कुल इनकी जब ये चिक होते हैं तो उस वक्त इनको हम जीरो फीट देते हैं उसके बाद फर्दर एज वाइज एक नंबर दो नंबर भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ ये हर घर की मतलब जैसे आप कह लें रोटी हो गई फल फ्रूट हो गया इस तरह की चीज़ें भी ये खाते हैं ठीक है फल फ्रूट भी इनको खिला सकते हैं इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं जी बिल्कुल अच्छा ये बताएं कि बनाना इनका फेवरेट है जी बिल्कुल सर इनका जो बनाना है क्योंकि वो मतलब इनकी डाइट के हिसाब से भी बहुत बेहतर है चेरी टाइप के फ्रूट बनाना वगैरह ये ज्यादा शौक से खाता है जी बिल्कुल सर अच्छा ये बताएं कि अभी ये वैक्सीनेटेड हैं तमाम के तमाम जी बिल्कुल अभी हमने रिसेंटली मेरिक्स की वैक्सीन की है अच्छा रिसेंटली आपने मेरिक्स की वैक्सीन की है जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि ड्यूरेशन क्या होता है इसके रिपीट होती है फिर एक ही वैक्सीन होती है इनकी? नहीं इनकी एक ही वैक्सीन है अभी जब तक जवान हो जाएंगे तब तक इनको कोई किसी किस्म की वैक्सीन की जरूरत नहीं है ठीक है तो मैरिस् वैक्सीनेशन इनको लगती है जी बिल्कुल तो वो देते किस तरीके से पानी में देते हैं आप जी आ, टू टाइप की वैक्सीन आती है पानी में मिला के भी दे सकते हैं और आँखों में भी दे सकते हैं अच्छा अच्छा इसके अलावा इनका वाटर के बारे में बताएं कि पानी इनको मिनरल वाटर देते हैं और पानी में क्या चीज़ आप कुछ इनको देते हैं गर्मी सर, के सीज़न में जैसे ओआरएस वगैरह होता है जी बिल्कुल इनको गर्मी की शिदत को कम करने के लिए हम इन्हें ओआरएस आर मिला के देते हैं और उसके बाद नॉर्मल मतलब वाटर भी दे सकते हैं आप लेकिन इनके लिए बेहतर यही है कि आप ओआरएस आर मिला के दें अच्छा ओ आर एस में मिनरल वाटर ओ आर एस मिला के आप दे सकते हैं जी भैया अच्छा पानी चौबीस घंटे इनके केज में रहता है या फिर आप इनका पानी एक टाइम पे देते हैं नहीं सर चौबीस घंटे इनके केज में रहता है चौबीस घंटे इनके केज में रहता है पानी इनको चौबीस घंटे चाहिए होता अच्छा मुझे ये बताएँ कि इनके हाज़मे का भी बहुत ज़रूरी होता है तो ये बताएं ग्रे वाटर इनको कितने टाइम में देता है सर ग्रे वाटर तकरीबन एक से दो हफ़्ते के बाद देते हैं ताकि इनका कोई मतलब हाज़मे वगैरह का मसला ना बने अगर कभी मसला बनता है तो फिर आप इन्हें उसी वक्त भी दे सकते हैं ठीक है तो ग्रे वाटर का इस्तेमाल करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है जी बिल्कुल अच्छा इनसे मतलब और कुछ इफॉर्मेशन आप देना चाहेंगे जैसे इनमें कोई बीमारियाँ कोई आती हैं बीमारी कौन कौन सी आती है जिसके लिए हम एहतियाती तदाबीर तो पहले तैयार कर लें सर सिर्फ़ इनकी एक बीमारी है ये है कि बीमारी नहीं कहीं ये ओवर फीड हो जाते हैं तो इनका हजम तेज़ करने के लिए आप एक महीने में एक दफ़ा या दो दफ़ा गुड़ का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके जिसके ज़रिए इनकी मैदी की फ्लशिंग हो जाती है मैं देखिए फ्लैशिंग हो जाती है तो फ्लैशिंग के लिए इनको गुड़ का पानी इस्तेमाल करवाया जाता है जी बिल्कुल अच्छा अब मुझे ये बताइए आपके ऑस्ट्रिच जो है वो कौन सा मौसम ज़्यादा पसंद करते हैं ऑस्ट्रिच ज़्यादातर गर्मी का मौसम पसंद करते हैं गर्मी का मौसम ज़्यादा पसंद करते है, इसमें हैं इसमें ज़्यादा खुश रहता है जी बिल्कुल ठीक है और अगर कोई एक जोड़ा रखता है जैसे कि आपने भी बताया इसका एज कितनी बताई इसकी डेढ़ महीना डेढ़ महीने की एज है अच्छा अगर कोई डेढ़ महीने का चिक्स रखता है तो इनको जगह कितनी बड़ी देनी है जगह सर नॉर्मल आप ना फाइव बाई फाइव का अगर आपके पास केज हो या आपके पास जगह हो तो नॉर्मल वो खुले घूम सकते हैं तकरीबन आठ महीने तक आठ महीने तक उसके बाद इनको कितनी बड़ी जगह चाहिए उस, उसके बाद नॉर्मल आप इसे छोटी जगह भी रख सकते हैं बस इनका ये इशू है कि इनको शाम को आप चलाने फिराने के लिए बाहर ले जाएं या अपने वॉकिंग एरिया में चलाएं फिरएँ बाकी इनकी ज़्यादा जगह जरूरत नहीं होती आप जब बड़े हो जाएं बिल्कुल जवान तो दस बाई दस की जगह में भी रख सकते हैं अच्छा मुझे ये बताएं मेचोर फॉर्म में कितने कितनी एज में आता है यानी बिल्कुल बड़ी फॉर्म में जब आ जाते हैं किस एज में होता है मुकम्मल दो साल में मुकम्मल दो साल में। जी अच्छा और साथ साथ मुझे ये बताते हैं कि एगलिंग पे कब आ जाते हैं ब्रीडिंग कब कर स्टार्ट करते हैं ये दो साल में ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं अच्छा दो साल में ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं यानी यंग एज में ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी और इनके एग्स का ये भी बताते हैं कि साल में कितने एग्स ये प्रोवाइड करते हैं ये तकरीबन एक चकोर एक ऑस्ट्रिच की मादा साठ अंडे देती है एक ऑस्ट्रेच की मादा सार्ट अंडे देती है जी अच्छा पूरे साल में शाट अंडे देती है जी बिल्कुल ठीक है अच्छा मुझे ये भी बता दें साथ साथ के इनके एग्स के हैचिंग डेज कितने होते हैं सर इनके एग्स फोर्टी डेज में हैच होते हैं फोर्टी डेज में हैच होते हैं ठीक है और इनके एग का वेट कितना होता है सर तकरीबन डेढ़ से दो किलो के दरमियान हो सकता है डेढ़ से दो किलो के दरमियान जी और कुछ इंफॉर्मेशन इसके साथ आप शेयर करना चाहेंगे व्यवस्था के साथ कुछ इनके मतलब इनके मुतालिक मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा परिंदा है आप इसे घर में भी रख सकते हैं ये ना कोई नुकसान देता है ना किसी और मतलब इसकी कोई नुकसान है है तो बहुत अच्छा बस ये बड़ा होने के बाद साइज़ में बड़ा हो जाता है जी बिल्कुल हाइट निकल जाती है इसकी जी बिल्कुल बताएँ कि गर्मी में और सर्दी में ऐसी क्या की जाती है ये गर्म इलाके का परिंदा है इसको गर्म इलाके में रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है गर्म गर्मियों में इसको किसी किस्म की केयर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वैसे ही रेगिस्तान का रहने वाला परिंदा है हाँ सर्दियों में इसकी ब्रूडिंग की थोड़ा बहुत करना पड़ता है इसका एक ख़ास टेम्परेचर रखना पड़ता है कितना टेम्परेचर थर्टी टेम्परेचर होना चाहिए इसके रूम का ताकि जिसकी वजह से इसके कोई असर ना पड़े सर्दी का ठीक है इसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इससे मुतिक इसके अलावा हम अपने कस्टमर को ये बताना चाहेंगे कि इसकी फार्मिंग करें जिस तरह दूसरे गरीब मुल्क हैं ईरान है ईरान पर कितनी ज़्यादा पाबंदियाँ उसके बावजूद दुनिया के दूसरे नंबर पर वो शुतर मुर्ग की गोश्त की पैदावार कर रहे हैं उन्होंने अपने काम अपने आप को इस वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत किया है शुतर मुर्ग की फार्मिंग करके पाकिस्तान में इसका एक वक्त आया था जब इसकी फार्मिंग पर बहुत अरूज था बहुत ज़्यादा लोगों ने पाला लेकिन गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों की मजबूरियाँ बनी महंगाई बढ़ी तो लोगों ने इस फार्मिंग से हाथ उठा लिए दू, लोगों ने दूसरी चीज़ों की फार्मिंग की इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है इसमें कोई बीमारी नहीं है ये बहुत ज़्यादा सख्त जान परिंदा आपने इसको घर में लाया इसकी आप फीड प्रॉपर करें बस आप इसको बदहजमी होने से बचाएँ खाता ये माशाला बहुत है आपने इसकी बदहजमी से रोकना है उसके अलावा इसकी किसी किस्म की बीमारी नहीं है बचपन में इसको आप पत्थरन पत्थर और दूसरे सख्त जगह पर रखें जिस वजह से यह पत्थर और मट्टी ना खाए इसके अलावा आपको इसकी किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गोश्त के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुफीद है अक्सर हमारे पास जो आर्डर आते हैं शादी ब्याह के तौर पर वो लोग इसको शादी में पकाते हैं इसका दुनिया में जितने भी गोश्त हैं सबसे ज्यादा मुफीद गोश्त है ये डॉक्टर साइंस सब ये मानते हैं इसके गोश्त में जीरो परसेंट कोलेस्ट्रोल है।, जी, है और उसके अलावा अगर हम इसकी फार्मिंग करें यह एक मादा इस साल में अंडे देती है और अगर साठ अंडे इसके हम इनको बेड करवाएं एक नर और एक मादा हो अगर आप एक नर के साथ दो मादा छोड़ते हैं तो साठ में से फिफ्टी परसेंट इसके चिक्स निकल फिफ्टी चिक्स निकलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद काम है और मेरे ख्याल में इसको पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग आम होनी चाहिए अभी तो इसकी बहुत कम फार्मिंग रह गई है पूरे पाकिस्तान की अगर आप नज़र डालें तो एक ही इसका फार्म है जो इसकी फार्मिंग का तोज्जो दिलवा रहे हैं लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते और हर जगह इसकी कीमतें ले हैं हर शहर के हिसाब से इसकी कीमतें हैं लेकिन इन आपको जमशेद बासमी भाई के चैनल के ताउन से सबसे कम कीमत पर आपको ये यह हतरमुड़ के चूहे प्रोवाइड करेंगे और पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ भी बोलेंगे कराची के हमारे जो दोस्त देख रहे हैं हम उनको एक जोड़ा भी फ्राहम करेंगे और जो दूसरे शहरों के दोस्त हैं तो उनको हम क... दो जोड़े तीन जोड़े एक जोड़े का मसला यह है कि ट्रैवलिंग का उसका आ जाता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसी के साथ आजकल धोखा फ्राड बहुत हो रहा है हमारी कोशिश ये होती है कि कैश ऑन डिलीवरी हो पूरे पाकिस्तान में तो कैश ऑन डिलीवरी तभी इसका पॉसिबल होता है दो तीन जोड़े हों ताकि हमारा बंदा जाए और आपको मुकम्मल गाइड करे अगर आपके पास इसके रखने की जगह गलत है तो हमारा बंदा आके आपको मुकम्मल गाइड करेगा इसके फायदे बताएगा सब कुछ गाइड करेगा तो इसलिए मेरे दूसरे शहरों के दोस्तों से ये गुजारिश है कि प्लीज़ कम अज़ कम दो तीन जोड़ों का हमें आर्डर दें ताकि हमें भी आसानी हो और आपको भी इसका किसी किस्म का मसला ना आए अच्छा एक बात मुझे बताएगा कि जब ये अपनी एज में आते हैं बड़े होते हैं हाइट वग़ैरह निकालते हैं तो ये एग्रेसिव तो नहीं होते क्योंकि कुछ कि नेचर ऐसी चेंज होती है कि थोड़ा सा वो फ्रेंडली होना कम हो जाते हैं और करीब आने से थोड़ा सा नाराज़ होते हैं हाँ वो इसकी थोड़ी बहुत बचपन से अगर आप इसके साथ फ्रेंडली रहेंगे तो ये फ्रेंडली रहेगा इसका कोई इतना नहीं होता बाकी इसकी जब ये अंडे देते हैं तो इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसकी अगर मादा ने पचास अंडे एक फार्म पे आपने दिए हुए हैं तो इसकी मादा इसका अपना अंडा पहचान लेगी जो उसने अंडा दिया हुआ होगा और ये इतना कोई इसका नहीं है लोग जानवर भी पालते हैं गाय भैंसें बकरे पालते हैं रिस्क तो हर चीज़ में थोड़ा बहुत होता है लेकिन इस बात को हम रिस्क में काउंट नहीं करेंगे ये आपका शौक भी होगा और फार्मिंग भी होगी कोई भी काम है थोड़ा बहुत तो आप चकोर पालते हैं तीतर पालते हैं हल्की बहुत तो चोंच वो भी काटते हैं तो अगर हल्का सा इनका भी है तो उसको मेरे ख्याल में तो इसके वजह से इसको कोई नहीं करना चाहिए कि ये काटते हैं तो वीवर्स ये हसन साहब हैं जिनकी हमने पहले भी कवरेज की थी चकोर के ऊपर तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिए तो इससे मतलब और मज़ीद कुछ बताना चाहेंगे आप हम मैं अपने देहात देहात के रहने वाले भाइयों को यह मशवरा देना चाहूँगा कि वो 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 की फार्मिंग ज़रूर करें क्योंकि देहात के खुले घर होते हैं और उधर घास की किसी किस्म की टेंशन नहीं होती ये लूसन खाते हैं शौक़ से उसके अलावा आप इनको हम जिस तरह कराची में बिन की फीड यूज़ कर रहे हैं तो उधर और बहुत से तरीके हैं आप इनको गंदम डाल सकते हैं कुछ भी डाल सकते हैं यानी इसका कोई एक्सपेंस नहीं है और जब ये मीट पर्पज़ के लिए आएगा तो इसकी गोश्त की कीमत बहुत है इसकी खाल की कीमत है हर चीज़ की इसकी कीमत है और एक पाकिस्तान में हम चाहते हैं इसकी फार्मिंग आम होनी चाहिए इसके लिए आपको वीडियो में तो चंद एक दाने दिखाए गए हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी हमसे भाई रबता करते हैं किसी को अगर सौ पीस चाहिए दो सौ पीस चाहिए तो हम एक से दो महीने के पीस आराम से उनके पास पहुंचा सकते हैं उनको 200 पीस चाहिए 300 पीस चाहिए बड़े दान इस वजह से ट्रैवल नहीं करवाते क्योंकि ट्रैवलिंग का मसला आता है किसी गाड़ी में इतनी जगह नहीं होती अक्सर इसमें मसला आ जाता है तो छोटे बच्चे जितने भी चाहिए सौ पचास पीस हम फ्राहम करेंगे कराची में जितने भी पीस चाहिए और हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी हो अच्छा एक बात मुझे बताएं कि अभी आप ये छोटे चीज़ के ऊपर ही काम कर रहे हैं अगर आपके पास बड़े हॉस्टेज की डिमांड आती है तो आप पूरी कर सकते हैं बड़े हॉस्टेज की डिमांड हम पूरी कर सकते हैं लेकिन सिर्फ सिंध के अंदर अंदर पंजाब में उनको ट्रैवल करवाना हमारे लिए लिए एक थोड़ा सा मसला हो जाता है क्योंकि उसमें एक्सपेंस काफी आ जाता है एक इसकी कीमत बड़े जाने की ज्यादा होती है तो फिर कस्टमर को इतना अफोर्ड नहीं करते अफोर्ड करते हैं उनको इतना फायदा नहीं होता इसमें ठीक है अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ जी मेरा नंबर है 03042133337 03036353831 ठीक है तो कांटेक्ट नंबर आपका ही है ना क्योंकि भाई ने भी पहले स्टार्टिंग में इंटरव्यू दिया था हां नंबर नंबर ही है ठीक है चले हमारे ये वर्षा खास ख्याल करिएगा ठीक है और जो भी कमी पेशी हो मजीद फर्दर आप कर लेगा इन शाला हमने पहले भी आपकी जो वीडियो आपने चकोर की बनाई थी उसमें आपके कस्टमर के साथ खसूस तान किया था इन शाला अभी भी करेंगे किसी भी भाई को कुछ भी चाहिए होगा इन शाला हम अपने कस्टमर को तीन दिन के बाद एक और सरप्राइज़ वीडियो देंगे वो भी इन शाला आपके चैनल के थ्रू आएगी तो इना हम खूसी तान करेंगे और कस्टमर आपको खुद भी बताएंगे कि उनके साथ तान हुआ है इनशाला चलिए जनाब बहुत शुक्रिया जजाक बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया को आप गाइड वगैरह कर देंगे ठीक है इनशाला बहुत शुक्रिया जजाकलम तो व्यूवर्स ये थी एक सेटअप की वीडियो यहाँ पे आज हमने आपको हॉस्टेज दिखाया तमाम इनफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तमाम लोग इफॉर्मेशन से वाकिफ हो गए आज हमारी पूरी कोशिश ये थी कि तमाम जितनी भी इन्फॉर्मेशन हॉस्ट से मतलब वो आप तक प्रोवाइड करें यहाँ पर खासकर विजिट करने का मकसद ये था तो इन शाला इस किस्म के और सेटअप भी आते रहेंगे जो भी वीडियोज आती रहेंगे नई नई लेटेस्ट वीडियो आपकी खिदमत में लाते रहेंगे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैलकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँचे तो जब तक के लिए हमारी टीम को जा दीजिए इन फिर दोबारा एक अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है आप तमाम लोगों के साथ अल्लाह हाफज